नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां उपस्थित हैं यूपी पीसीएस सीसेट के सिलेबस के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस में जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, उसमें हिंदी का एक पोर्शन होता है और वह जो है क्वालिफाइंग पोर्शन भले ही हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका एक कारण है दोस्तों कि अगर उस पोर्शन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिए जाते हैं। इसलिए सामान्य पोर्शन होते हुए भी वह पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, वह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम उसी भाग की चर्चा के क्रम में पहला वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। और इस वीडियो में देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप जो है बार बार यही चीज़ें कही कि जब किसी भी पाठ्य किसी भी चीज़ का किसी भी कंपटीशन का किसी भी परीक्षा का यदि हमें पाठ्यक्रम पता हो, हमें उसका सिलेबस पता हो तो उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि यह जो हमारा सीसेट में सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में ये जो हिंदी का पेपर है, इस हिंदी के भाग में जो है क्या क्या सिलेबस रखा गया है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक होता है वो है हिंदी वर्णमाला, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है शब्द रचना। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला का मतलब है हम वर्ण से शुरू करेंगे, हम स्वर की चर्चा करेंगे, व्यंजन की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जो है अघोष सघोष और अल्पप्राण महाप्राण की चर्चा करेंगे। अगला है विराम चिन्ह, हिंदी में कितने विराम चिन्ह है, किस विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है और किसका संकेत क्या होता है, हम इसका प्रयोग करेंगे। शब्द रचना का मतलब होता है कि दिया गया शब्द, देखिए शब्द रचना में दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं, दो भागों को शामिल किया जा सकता है शब्द रचना के तहत। एक तो संज्ञा सर्वनाम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जैसा कि आपने पेपर में देखा भी होगा कई बार प्रश्न बन जाता है, और इसमें एक जो है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को शामिल किया जा सकता है। तो दोनों भागों की हम चर्चा करेंगे ताकि अगर सिलेबस में कहीं से थोड़ा सा परिवर्तन भी करें, रूप को अलग भी करना चाहें तो हम कतई फेल न हो। अगला है वाक्य रचना, हम वाक्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे, हम संधि की चर्चा करेंगे, हम समास की चर्चा करेंगे, हम क्रियाओं की चर्चा करेंगे। अनेकार्थी शब्द जो है, आप जानते हैं शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। विलोम की चर्चा करेंगे, हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की चर्चा करेंगे, हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे, हम तद्भव तत्सम देशज और विदेशी शब्दों की चर्चा करेंगे। अगर हम इसे एक शब्द में कहना चाहें तो हम इसे शब्द भंडार नाम दे सकते हैं। तो यहाँ हम शब्द भंडार की चर्चा करेंगे और शब्द भंडार की चर्चा के बाद जो है दोस्तों हम चर्चा करेंगे वर्तनी की। और आप जैसा कि जानते हैं वर्तनी की शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है और इसमें प्रायः त्रुटियां हो जाया करती हैं। फिर हम तो वर्तनी, मैं इसमें कुछ शब्द आपको चुनिंदा दूंगा जिन शब्दों से आपका काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। फिर हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। अब यहाँ हम वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे, यहाँ हम वाक्य शुद्धि की बात करेंगे और यहाँ हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बोलियों की। जैसे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बोलियाँ जैसे अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है, तो इस तरह से जो है हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बोलियों की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस बोली में कौन सी बोली किस तरह, जैसे ब्रज ओकार प्रधान है, अवधी अकार प्रधान है, इसी तरह से जो है या ओकार बहुला है, अकार बहुला है, ब्रज का क्षेत्र क्या है, अवधी का क्षेत्र क्या है, खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो हम इन सारे चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पाठ्यक्रम और इसका मैं आप लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए
ताकि आपको ये पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है इस चीज़ की जानकारी के अभाव में हम बहुत अधिक पढ़ ले जाते हैं जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन का मतलब यही है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सी सेट का हाई स्कूल जो है, ये सी सेट का पाठ्यक्रम। और यहाँ एक खास बात मैं आपको बताई, देखिए जब भी आप लीगल वेबसाइट खोलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो आप वहां देखेंगे वहां लिखा रहता है सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक। यह बात कहीं ना कहीं हमें इस चीज का संकेत देती है, कहीं ना कहीं इस चीज को इंगित करती है कि हमें हाई स्कूल लेवल तक की हिंदी अगर अच्छी जानकारी है तो हमारा काम चल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपटीशन है, लिखने को हाई स्कूल लेवल भले ही लिखा जाए लेकिन इसमें जो प्रश्न होते हैं वो कंपटीशन लेवल के होते हैं, तो थोड़ा सा इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों आइए अब आज हम चर्चा करते हैं पहले टॉपिक की अपने, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला वीडियो है, आप आज इस बात को, इस वीडियो को देखिए और अच्छे से आज तक जहां भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उससे कंपेयर करिए और ये देखिए कि क्या वास्तव में चंद्रा टीम आपके लिए बेहतर जो है प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हम चंद्रा से जुड़ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम चंद्रा से जुड़ करके नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, आज तक आपने वर्ण वर्णमाला के संदर्भ में जो भी चीजें पढ़ी होंगी उनसे जरा इस लेक्चर को कंपेयर करिएगा और तब आप मूल्यांकन करिएगा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला की। देखिए ये दो आदमी मैंने बनाए हैं, आपको देखकर लगेगा कि ये कैसे शुरू कर रहे हैं सर, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो लोग पढ़ाते हैं वो सीधा सीधा शुरू कर देते हैं वर्णमाला में वर्ण से, शुरू हम भी वर्ण से करेंगे लेकिन थोड़ा सा सबसे अलग हटके आपको पहले एक पृष्ठभूमि देंगे, एक बैकग्राउंड देंगे और उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सारे लोग सिविल के स्कॉलर हैं, जीएस को बहुत बेहतर जानते हैं, अच्छा जानते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं यह जो हमारी पृथ्वी है, यह जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी कभी सूर्य का ही एक भाग हुआ करती थी। ये कहा जाता है कि सूर्य के बगल से एक बार उससे भी बड़ा, सूर्य से भी बड़ा एक ग्रह गुजरा और जब उस ग्रह का प्रभाव, उस ग्रह का बल सूर्य के बल पर बल से टकराया, उस ग्रह का प्रभाव सूर्य के प्रभाव से टकराया तो इसने सूर्य को अपनी ओर खींचना शुरू किया। लेकिन सूर्य का को वो अपनी तरफ खींच लेता और ना आज ये पृथ्वी होती ना हम होते ना। लेकिन दोस्तों, सूर्य अपनी धुरी से जब तक हट पाता इसकी गति इतनी तेज थी कि ये आगे निकल गया। लेकिन इसने ऐसा नहीं कि सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं डाला, इसने सूर्य पर एक प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? सूर्य के एक भाग को तोड़कर इसने सूर्य से अलग कर दिया और यही भाग धीरे धीरे जब सूर्य से अलग हुआ, आप कल्पना करिए, मैं आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़ता हूँ, जब हम आप स्टूडेंट हैं अपने हाथ से रोटी बनाते खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम आप रोटी बनाते हैं जब तक तवा को आग पर रखे रहते हैं, गैस पर रखे रहते हैं, तवा गर्म होता है, जैसे ही हम तवा को उतार कर गैस से अलग रख देते हैं धीरे धीरे तवा ठंडा होने लगता है। बिल्कुल वही स्थिति थी, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है इसलिए सूर्य में ऊर्जा जो है बनी रहती है, ऊष्मा बनी रहती है। लेकिन जब ये भाग सूर्य से टूटकर अलग हुआ तो इसमें तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा क्षय होने लगी, इसकी ऊष्मा क्षय होने लगी और क्षय कैसे हुई, धीरे धीरे इससे भाप निकलने लगी, जब इससे भाप निकली तो बादल बने, बादल से वर्षा हुई और तेज भाप निकली और तब तक यहाँ वर्षा होती रही जब तक पृथ्वी की एक मोटी सतह ठंडी नहीं हो गई। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी देखिए, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है वही हीट वही गर्मी निकलती है।
ठीक है। तो जब पृथ्वी की एक मोटी सतह ठंडी हो गई तो वर्षा होनी बंद हो गई, ऊष्मा निकलनी बंद हो गई, और जब ऊष्मा निकलनी बंद हो गई तो हमारी पृथ्वी पर तीन तरह की संरचनाएं बनी, कहीं तो गर्त बना, कहीं प्लेन बना और कहीं पर्वत बना। तो जो गर्त था ये समुद्र बना, जो प्लेन था ये मैदान बना, और ये जो ऊंचाई थी ये पर्वत बना। धीरे धीरे आप जानते हैं जलीय जीवों का विकास हुआ, एक कोश की जीव आए, अमीबा आदि, फिर धीरे धीरे इसके बाद जो है धीरे धीरे मछलियां आई, मछलियों से फिर धीरे धीरे वो जीव आए जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते थे, फिर धीरे धीरे वो जीव आए जो केवल स्थल पर रह सकते थे, और उन्हीं जीवों से विकसित होते होते धीरे धीरे मानव का निर्माण हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब मनुष्य इस धरती पर आ गया, लेकिन मानव वास्तव में इस धरती का एक बहुत ही कमजोर प्राणी है। तो जब मानव इस धरती पर आया तो मानव बिल्कुल डरा हुआ था। अब देखिए, अब मैं मेरा कतई उद्देश्य आपको साइंस पढ़ाना नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल आपको हिंदी से जोड़ना है, वर्णमाला से जोड़ना है, वर्ण से जोड़ना है। तो जब मानव इस धरती पर आया तो वो कमजोर था, वो डरा हुआ था, और उसने क्या किया कि उसने एक दिन अपने जैसे एक और को देखा, यहीं से अपनी बाप को उठा लीजिएगा दोस्तों, उसने एक दिन अपने जैसे एक और को देखा। जब उसने उसे देखा तो कुछ आवाजें निकाली, कुछ संकेत किए और उसे समझाने का प्रयास किया कि यदि आप हम एक होकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। कहा ही जाता है एक से भले दो, तो यदि आप और हम एक होकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। और ये बात दोस्तों जब दूसरे ने सुना, उसने समझा कि अगला कहना क्या चाहता है, तो उसने अपनी स्वीकृति दी, उसने कहा ठीक है चलिए आज से आप और हम एक साथ रहेंगे। और इस तरह से दोनों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, अपने विचार एक दूसरे के विचारों को सुना और समझा। इस तरह से धरती पर सबसे पहले प्रकट हुई हमारी भाषा। तो भाषा का अर्थ क्या है? जब हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों विचारों को सुनते और समझते हैं तो इसे भाषा कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यह भाषा कैसी थी? यह भाषा मौखिक थी। यह भाषा कैसी थी? मौखिक भाषा थी। ठीक, और बहुत दिनों तक हमारे यहाँ भाषा मौखिक ही रही। आप जानते हैं हमारे यहाँ शिक्षा का क्रम कैसा था? गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल आश्रम था। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठकर बोलते थे, बच्चे सुनते थे, याद कर लेते थे ना। तो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति रही, बहुत दिनों तक भाषा हमारे यहाँ मौखिक रही, ओरल रही। लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या क्या उत्पन्न हुई? जब भाषा बहुत दिनों तक मौखिक रही तो लोगों को ये लगा कि जब भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही ले लीजिएगा, व्यवहारिक उदाहरण। मैंने आपको एक कहानी सुनाई सूर्य से पृथ्वी के निर्माण की, यही कहानी अपने को सुनाइएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा बताया कुछ आपने छोड़ दिया और अपना कुछ आपने उसमें जोड़ दिया। ठीक, तो इसी तरह से जब मौखिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता रहा तो उसमें पूर्व ज्ञान का कुछ छूटता रहा और नया कुछ जुड़ता रहा। इस तरह से ज्ञान का रूप परिवर्तित होता रहा, भाषा का रूप विकृत होता चला गया। तब लोगों को यह लगा कि अगर हम इसे लिखें अगर, तो यह हमारा जो लिखा हुआ ज्ञान होगा यह स्थायी होगा, यह कतई बदल नहीं सकता। और इस क्रम में लोगों को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। अब देखिए हम अपने मेन टॉपिक तक आ गए, अब वर्ण की चर्चा होने जा रही है, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। तब लोगों को लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। तो लिखने के लिए सबसे पहले लोगों ने कुछ चिन्ह बनाए, कुछ निशान बनाए, कुछ प्रतीक बनाए, जैसे अ आ क ख म ल, इस तरह से कुछ चिन्ह बनाए, और इन्हीं चिन्हों को कहा गया वर्ण। क्या कहा गया? वर्ण। वर्ण की पहली परिभाषा हमारे सामने निकल आई। क्या? अगर यहाँ तक के अभी तक हमने जितना पढ़ा है केवल उसी के संदर्भ की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं वर्ण क्या है? मानव ने भाषा को लिखने के लिए,
जो चिन्ह बनाए उन चिन्हों को वर्ण कहा गया। ठीक, लेकिन केवल इन चिन्हों से तो लिखा नहीं जा सकता था, उसका रीजन है कि वर्ण से शब्द बना। जैसे इन्होंने एक वर्ण लिया क, एक वर्ण लिया म, एक वर्ण लिया ल और तीनों को मिलाकर बना दिया कमल। अब वर्ण से शब्द बना तो वर्ण सबसे छोटी इकाई थी, सबसे पहले बनी, सबसे छोटी इकाई। भाई आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव खोदते हैं क्योंकि घर की सबसे छोटी इकाई नींव है, और सबसे अंत में छत डालते हैं क्योंकि घर की सबसे अंतिम इकाई, सबसे बड़ी इकाई छत। अब ऐसा नहीं कि आप पहले छत डाल दें तब नींव खोदें तो तब तक तो छत आप ही को दबा देगी, सही है कि नहीं। तो उसी तरह से जो सबसे पहले बनता है वो सबसे छोटी इकाई है, तो वर्ण जो थी ये थी हमारी सबसे छोटी इकाई। और जब वर्ण बना, वर्ण से बड़ी इकाई बनी शब्द, शब्द से बड़ी इकाई बनी वाक्य। जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है ना, अब हमने यहां शब्दों के समूह को लिया, एक सार्थक समूह को लिया, तो इस तरह से यहां बन गया हमारा वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य, और सबसे अंत में बनी हमारी भाषा। भाषा के लिए आप समझ गए, हम अपने भाव विचार आप तक रखें और आप उसे सुने समझे, आप अपने भाव विचार हम तक रखें हम सुने समझे, इसी को भाषा कहते हैं। तो जब वाक्यों से, और ये भाषा प्रकट कैसे होती है, वाक्यों से मैं भाषा बोल रहा हूँ, मैं वाक्यों में बोल रहा हूँ, तो भाषा वाक्यों में प्रकट होती है, तो वाक्य से मिलकर बनी भाषा। ठीक, तो भाषा सबसे अंतिम इकाई है और सबसे अंतिम इकाई होने के कारण ये हो गई हमारी सबसे बड़ी इकाई। अब इस तरह से हमने देखा कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है और भाषा सबसे बड़ी इकाई है। तो इस प्रकार यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी परिभाषा बनी, पहली परिभाषा क्या बनी थी, मानव ने लिखने के लिए जो संकेत बनाए उन्हें वर्ण कहा गया। दूसरी परिभाषा बनी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई है भाषा और सबसे छोटी इकाई है वर्ण, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा एक चीज और देखिए, लॉजिकल है कि जब सबसे छोटी है तो इसका मतलब इससे छोटा खंड करना संभव नहीं है, तो जब सबसे छोटी है इससे छोटा खंड करना संभव नहीं है तो अविभाज्य भी हो गई, तो सीधे सीधे वर्ण भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। अब देखिए हमने उल्टे क्रम में चलकर यहां एक शब्द लिया, जैसे भाषा लिया, भाषा से वाक्य लिया, वाक्य से एक शब्द लिया कमल, और अब कमल से मैं आपको वर्ण समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, कमल, कमल शब्द को हम तीन भागों में पहले तोड़ सकते हैं, कमल, लेकिन क्या ये इसके इससे और छोटा खंड करना संभव है, तो बिल्कुल संभव है। क धन अ, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिला होता है, हम आगे इस चीज की चर्चा करेंगे, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिला होता है, बिना स्वर के व्यंजन उच्चारण संभव नहीं है। तो क जिस पर मात्रा लगी होती है उसमें मात्रा वाला स्वर होता है, जिस पर मात्रा नहीं लगी होती उसमें अस्वर होता है। तो क धन म धन अ धन ल धन अ, अब आप बताइए क्या इससे छोटा खंड इसका संभव है, अब इससे छोटा खंड इसका संभव नहीं है, तो यही है हमारा वर्ण। क्या है हमारा वर्ण? तो अगर कोई आपसे पूछे कि कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो दो दो चार दो छः, कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, कमल शब्द में कुल छः वर्ण, क धन अ धन म धन अ धन ल धन। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप देखिए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको यहाँ और बताता चलूँ कि जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते होंगे, छोटे रहे होंगे, आपने किताब पढ़ी होगी, या घर में भतीजा बेटा बेटी भांजा भांजी कोई भी हो उसकी छोटी किताब उठाइएगा, वहाँ जब वर्णमाला पढ़ते हैं आप, व्यंजन पढ़ते हैं, तो व्यंजन में क ख ग घ अंगा लिखा होता है, व्यंजन में कहीं ये नहीं लिखा होता क धन अ ख धन अ ग धन अ। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ जाना चाहिए तुरंत कि आखिर में ये वर्ण है तो ये क्या है, अगर ये वर्ण है तो ये क्या है। तो दोस्तों
अब आपको यहाँ मैं वो बात बता दूँ जो हिंदी में बहुत कम लोग बताते हैं, इस कन्फ्यूजन को बहुत कम लोग दूर कर पाते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, यह भी वर्ण है और यह भी वर्ण है। अब आप सोचेंगे कि अगर दोनों वर्ण है तो दोनों में अंतर क्या है। ये वर्ण है वर्णमाला की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, वर्णमाला की दृष्टि से, और ये वर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। तो अगर आपसे पूछता है कि कमल शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका मतलब वो व्याकरण की दृष्टि से जानना चाहता है, और आपको छह उत्तर देना है। ओके, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कमल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो कुल छह वर्ण हैं। लेकिन ये वर्ण कैसे हैं? देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात दिमाग लगा करके जरा सा सोचिएगा। कमल घर चल, इस वाक्य को अगर हम इस फॉर्मेट में बोलना शुरू करें, तो क अ म अ ल अ घ अ र अ च अ ल अ, अब सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा एक चीज। दूसरी चीज कि जितना हम आपको एक लेक्चर में पढ़ाते हैं उतना तीन लेक्चर में पढ़ाएंगे। जितना आप एक बार एक परीक्षा में लिखते हैं मेंस में, उतने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट के तीन पेपर लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, लिखने और बोलने की दृष्टि से यह वर्ण है, सुनिएगा गौर से, यह अंतर कोई दूसरा अध्यापक नहीं बताएगा आपको। यह लिखने और बोलने की दृष्टि से यह वर्ण है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह वर्ण है। तो अगर आपसे परीक्षा में वर्ण की बात की जाए, तो आप इस फॉर्मेट में उत्तर देंगे। ओके, आप इस फॉर्मेट में उत्तर देंगे। हाँ, ये वर्ण क्यों है, ये मैंने आपकी शंका का समाधान कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसे वर्ण बता के छोड़ देता, तो जब आप किसी बच्चे की किताब देखते या खुद पढ़ते, तो आपको लगता कि यार ये यहाँ तो क एक वर्ण है, एक व्यंजन है, और गुरुजी ने क धन अ कहा था, तो दोनों में अंतर क्या है। तो बोलने और लिखने की दृष्टि से ये वर्ण है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये वर्ण। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वर्ण आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको वर्णमाला कहते हैं दोस्त? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को। अब यहाँ दो शब्द आए हमारे सामने जिन पर आपको फोकस करना है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अब आपको ये देखना है कि क्रमबद्ध का मतलब क्या है और व्यवस्थित का मतलब क्या है। तो दोस्तों, क्रमबद्ध का मतलब होता है कि जो वर्ण जिसके पहले या बाद आता है, उसको उसी के पहले या बाद आना चाहिए। जैसे अगर ख क के बाद और ग के पहले आता है, तो ख को क के बाद और ग के पहले आना चाहिए, यही है क्रमबद्ध। व्यवस्थित का मतलब क्या है? व्यवस्थित का मतलब यह है कि जो जिस क्रम में आता है, जैसे सबसे पहले स्वर आते हैं, तब व्यंजन आते हैं, व्यंजनों में भी सबसे पहले हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं क से लेके म तक, फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो जो जिस तरह से आता है, उसको बिल्कुल उसी तरह से आना चाहिए। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं वर्णमाला के भाग। वर्णमाला के कितने भाग हैं? तो दोस्तों, वर्णमाला के दो भाग हैं, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। आप सारे लोग जानते हैं वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर व्यंजन। अब आइए देखते हैं स्वर क्या है। तो यहां मैंने एक चित्र बनाया है, इस चित्र से आप, मैंने बार बार कहा कि इस पहले लेक्चर को पीछे किसी भी टीचर से पढ़े गए लेक्चर से कंपेयर करिए। जब आपको लगे कि बेहतर पढ़ाया जा रहा है, तभी चंद्रा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए, यहां मैंने दो घर बनाए हैं। एक्चुअली आई आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी, सुनिएगा। एक गांव में दो घर, एक स्वर एक व्यंजन। एक गांव में दो घर, एक स्वर एक व्यंजन, केवल दो घर हैं। स्वर के बच्चे घर पर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, और व्यंजन के बच्चे प्रयागराज में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों का घर छप्पर से बना हुआ है, छप्पर से बना हुआ, छप्पर टूट भी जाता है तो उसको मरम्मत की जरूरत होती है, रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो जब छप्पर को मरम्मत की जरूरत होती है तो स्वर्ग के बच्चे चूंकि घर ही रहते हैं तो ये अपने छप्पर की मरम्मत खुद कर लेते हैं, लेकिन व्यंजन के बच्चे बाहर रहते हैं तो ये अपने छप्पर की मरम्मत खुद नहीं कर पाते। तो व्यंजन जाता है स्वर के घर और कहता है भैया अपने बच्चों को भेज दो हमारे छप्पर की मरम्मत कर दे। अब ये छप्पर क्या है? यही छप्पर उच्चारण है। तो देखिए व्यंजन के बच्चे अपने छप्पर की मरम्मत खुद करते हैं अर्थात खुद से उच्चरित होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते। तो जो वर्ण उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं, और व्यंजन क्या करते हैं? स्वर की सहायता लेते हैं अर्थात जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन। तो यही परिभाषा मैंने लिखा है, जो वर्ण उच्चारण में किसी दूसरे व्यंजन की सहायता, किसी दूसरे की अर्थात व्यंजन की सहायता नहीं लेते वो स्वर कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं हिंदी में स्वर कितने हैं, बड़ा ही विवादित सा क्वेश्चन है। कुछ किताबें 13 लिखती हैं लेकिन मैं बिल्कुल ऑथेंटिक एनसीईआरटी वासुदेव नंदन प्रसाद कामता प्रसाद गुरु सबके अकॉर्डिंग बता दूं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, यही हिंदी के कुल 11 स्वर हैं। अब आइए देखते हैं कि इन 11 स्वरों से मिलकर कितनी मात्राएं बनती हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्रा होती है, तो 11 में से एक कम हो गया तो 11 स्वरों से मिलकर कुल 10 मात्राएं बनती हैं। आ बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, स्वरों के भेदों की चर्चा करेंगे फिर व्यंजन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलिए।